अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे होंगे? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली अब आ गया हूँ टेम्पो की तरफ से, जुबेल में सदारा एक साइड है, वहाँ पे आया हूँ। तो ये उनकी रेजिडेंस है, रिहाइश है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं बेसिकली जो काम कर रही हैं। तो मैं सदारा पे आया था, तो अभी आपको रेजिडेंस पड़ा है, जुमा पढ़ के आ रहे हैं सारे। तो ये ऊपर वाली साइड है, ये इधर गाड़ियों का सारा सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने, और ये बिल्डिंग उन्होंने किराए पे ली हुई है। जो भी सिस्टम है इतना मुझे इल्म नहीं है, पर ये फैमको की, ये जो सामने नज़र आ रही है ये फैमको की बिल्डिंग है, रेजिडेंस है यहाँ पे। और ये जो साइड है ये है सदारा की। सदारा बहुत बड़ी साइड है सारा। ये नीचे भी रिहाइश दी हुई है सारी, पर मुझे ऊपर की तरफ दी हुई है। ये ऑफिस वगैरह हैं उनके, ये मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये बस हो गया, उसने बोला ठीक है, अब उसने मुझे समझा दिया ठीक है, सेटिंग कर लिया मैंने। नहीं, सही है, सही, मना नहीं करा, वो नहीं चल रहा था। सुबह मैं चाय बना रहा था नाश्ते के लिए ना, तो नहीं बन रही थी, तो अभी मैंने उसको फिर बताया, फिर उसने सही करके दिया। उसका पार्टनर को फोन दिया, बोला वो लोग मना कर रहे हैं, बोला मैं उसको फोन देता हूँ। नहीं नहीं, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये आगे 14 नंबर रूम मिला, ये सारे रूम है टेम्पो के हैं, ठीक है ना। ये कैंप हाउस था, इधर भी सिस्टम बनाया हुआ है, तो इधर भी है। ये 14 नंबर हमें रूम मिला है, ये अंदर किचन का सिस्टम है सारा, और यहाँ पे भी अलग-अलग लड़के रहते हैं, ये भी रूम है, और वाशरूम भी इसका दिया हुआ है। ये किचन है, यहाँ पे आप खाना शाना बना सकते हैं, जिसने बनाना हो, पर अक्सर लोग बनाते नहीं। वॉशिंग मशीन भी पड़ी हुई है कपड़े शपड़े धोने के लिए, इस साइड पे हमें मिला है, यहाँ पे कपड़े वगैरह टांगते हो। ये फ्रिज वगैरह भी दी हुई है कंपनी ने, तो माहौल भी अच्छा है, प्रोटोकॉल भी अच्छा है, बेहतरीन निज़ाम है। ये रूम मुझे मिला है जो जिसमें मैं आया था, आपको चल के दिखाता हूँ सदारा वालो। और ये भाई रूम है, ये यहाँ पे भी पाकिस्तानी है, और यहाँ पे भी पाकिस्तानी है, और यहाँ पे भी मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा सामान पड़ा है, जैसे ही कल मैं आया तो उन्होंने देखे ना, ये ऊपर वाला बेड मुझे दिया था, क्योंकि नीचे एक लड़का था, उसकी फैमिली आई हुई है, वो वहाँ पर चला गया, तो उन्होंने कहा कि नीचे आप ना बैठें, काम ना सोएं, ऊपर चले जाएं। तो उन्होंने नया स्पेशल देखे ना, नया गदा, बिल्कुल अनटच, यूज़ भी नहीं हुआ था, और उसके बाद ये कंबल भी नया दिया है, बिल्कुल ये यूज़ भी नहीं था, शापर के अंदर पैक था। और इसका देखें, ये का शापर पड़ा, ठीक है ना, बिल्कुल नया था, और ये भी पैक था। और इसके बाद बची ये शीट, इसकी जो बेड के ऊपर डाली हुई शीट, और तकिया भी शापर के अंदर था, नया था, बिल्कुल यूज़ वाला नहीं था। बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पे रिहाइश का दिया हुआ है, बहुत अच्छी जगह है ये भी, और ये रिहाइश है, रेजिडेंस है, और आपके सामने है। अब क्या करना है, अब पता है क्या करना है, अब ये होना है कि यहाँ पे रहना है। और पहले हमारी डॉक्टरी हो गई थी, सारा कुछ हो गया था उस साइड पे, जब हम रेड सी में थे वहाँ पे हमारा मेडिकल भी हो गया था, सारा कुछ हो गया था, सिस्टम टोटल अरेंजमेंट हो गया था, वहाँ आईडी भी बन गई थी। अब अलूला गया, अलूला के बाद वहाँ पे कोई आईडी नहीं, कोई मतलब मेडिकल नहीं, वहाँ भी 7 महीने 8 महीने मैंने काम किया। उसके बाद अभी ट्रांसफ़र कर दिया बंदा, ज़रूरत था उनको यहाँ पे आराम को काम कर रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहरले मुल्कों के लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल वाले लोग होते हैं, और यहाँ नसीब वाला होता है, जो अच्छा बंदा होता है उसको सदारा साइड पे बंदे को बुलाते हैं, और सदारा साइड पे आता है बड़ी मुश्किल से। तो मैं सदारा साइड पे आ गया हूँ, तो अभी वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रेस्ट करें, आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी आईडी बनेगी, आपकी दोबारा एंट्री होगी, सारा कुछ दोबारा होगा, आप रिन्यूअल होंगे, जो सारा सिस्टम न्यू होगा, तब आप साइड पे जा सकते हैं। तो साइड देखेंगे कैसी है, साइड मैंने अभी तक देखी नहीं है, साइड पे क्या काम है, कैसा काम है, क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, कोई पता नहीं। तो मैंने जुमा पढ़ने गया था, शॉपिंग भी की, सामान वगैरह भी लिया, ठीक है ना, शॉपिंग मॉल था। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह अगर कोशिश करूँगा कि शॉपिंग मॉल भी बनाऊँगा, कुछ सामान लेना गया तो आज का सिस्टम यहीं था।
आपको रेजिडेंस दिखाना था, रेजिडेंस दिखा दिया, बहुत अच्छा रेजिडेंस है, ठीक है ना। माहौल तो बहुत अच्छा, अभी देखते हैं रिहाइश में क्या होता है, कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं। उसके बाद अगली वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कंपनी के हवाले से बताना। किसी ने कंपनी वगैरह में ज्वाइनिंग करनी है, आना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ तआवुन करूँगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों का शेयर शेयर करना है, लाइक भी करना है, ठीक है ना। आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहें, ठीक है ना। अगली वीडियो को भी लाजमी तौर पर देखते रहें और नोटिफिकेशन का इंतजार किया करें, जो भी आप सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।